बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब पे बराए तकसीम सिविल इजाज़ात 2020 का आगाज़ किया जाए। इस तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से होगा। इसके बाद सदर मुमलिकत सिविल इजाज़ात तकसीम फरमाएंगे। तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं जनाब कारी डॉक्टर इकरामुल हक से दरख्वास्त करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم। इन आयात बय्यिनात का तर्जमा। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कहो, ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे दलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क बख्शता है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो सिविल एजाजात की तकसीम का आगाज़ किया जाए। डॉक्टर अब्दुल कुदूस शेख शहीद। डॉक्टर अब्दुल कुदूस शेख, डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स, ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के दौरान लगन और बेगर्जी के साथ खिदमत सर अंजाम दी। मज़कूरा अफसर 3 और 4 जुलाई 2019 की दरमियानी शब अपने फ़राइज़ मनसबी
निभाते हुए स्मगलिंग की रोकथाम के ऑपरेशन में मसरूफ थे कि इसी दौरान ख़तरनाक स्मगलरों ने आपको अपने जाल में फंसा कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। शदीद ज़ख्मी हालत में आपने अस्पताल में 5 दिन तक मौत हयात की कश्मकश में रहने के बाद बलाखिर ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए 9 जुलाई 2019 की सुबह जाम शहादत नोश किया। जुरत व बहादरी की बेमिसाल मुजाहरे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस शेख शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी अहलिया वसूल करेंगी। जनाब खालिक दाद खान, जनाब खालिक दाद खान ने बतौर साइंटिफिक ऑफिसर 1980 में अपने पेशा वराना करियर का आगाज़ KRL से किया। अपनी पेशा वराना करियर के दौरान आपने दिफाई अहमियत के हामिल इंतहाई खुफिया मंसूबों में फाल किरदार अदा किया। आपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करने में महारत हासिल की, जिसे सनती निज़ाम और प्लांट्स में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आपको इस तकनीकी टीम की सरबराही और निगरानी का शर्फ भी हासिल है, जिसने इंतहाई कामयाबी से मुख्तलिफ असलों और ट्रेनिंग सिमुलेटर से मुतालिक मंसूबों और दीगर खिदमात के लिए शामिल जुजियात और इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स तैयार किए। साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब खालिक दाद खान को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान, मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान बतौर सेक्रेटरी दाखिला अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान बदलते हुए दाखिली सिक्योरिटी माहौल से हम आहंग वजारत दाखिला की असर नौ तंजीम की। 18वीं तरमीम के बाद दाखिली सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मौजूद खला को पुर करने के लिए आपने तमाम सिक्योरिटी हसास एजेंसियों और दाखिली सिक्योरिटी के मामलों से मुंसलिक हुकूमती महकमों में शमूलियत से वज़ीर दाखिला की सरबराही में कौमी दाखिली सिक्योरिटी कमेटी के क्याम की तजवीज़ पेश की। आपकी कोशिशों की वजह से वीज़ा हासिल करने के अमल को 175 ममालिक के लिए ई वीज़ा सहूलत के तारुफ के साथ आसान बना दिया गया। इसके अलावा फैटफ की हिदायत की तामील में सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर आपने अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से कालेदम तंजीमों से निमटने और सूबों की तरफ से इनके एहसासों को मौसर तरीके से काबू करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। कारी सैयद सदाकत अली, कारी सैयद सदाकत अली का शुमार पाकिस्तान के सबसे सीनियर मारूफ कारी और नातख्वां में होता है। आप 1961 से तलावत कुरान पाक और नातख्वानी कर रहे हैं। आपको दुनिया भर में कुरान पाक की तलावत और नेमत पढ़ने का एज़ाज़ हासिल है। आपकी शानदार कारकर्दगी के इतराफ़ में आपको 1986 में सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी और 2014 में सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। आपने मजहबी बर्दाश्त और मजहबी यकानगत को फ़रोग दिया और अपने पुरलगन कोशिशों से इंतहाई कामयाबी से पैगाम पाकिस्तान को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क फ़रोग दिया। पैगाम पाकिस्तान को फैलाने के अमल में आपने अमरीका, बरतानिया, जापान, सऊदी अरब और मिस्र वगैरह की मरूफ सियासी और मजहबी शख्सियात से मुलाकातें की,
जहां आपको ना सिर्फ पज़ीराई मिली बल्कि आपकी कोशिशों को सराहा भी गया। खिदमाती आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने कारी सैयद सदाकत अली को हलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। मलिक खादीन शहीद गनी खेल कबीले से तारुक रखने वाले मलिक खादीन मुहिब वतन वफादार और जुनूबी वजीरस्तान की इंतहाई मोजिज़ शख्सियत थे। वादी में गैर मुल्की जंगजुओं के हमलों में आपने गैर मामूली शुजात से अपने कबीले के तहफ़ुज़ को मुमकिन बनाया और गैर मुल्की संगदिल शिदत पसंदों के लिए मुज़ाहमत बनकर सामने आए और आपकी इन अनथक कोशिशों का समर अमन के क्याम की सूरत में मिलने लगा। 2004 में गैर मुल्की शिदत पसंदों ने आप और आपके करीबी रिश्तेदारों पर दो जुड़वा बम धमाकों से हमला किया। इस हादसे में आप शदीद जख्मी हुए जबकि आपके बेटे ने जाम शहादत नोश फरमाया। आप कंबाइंड मिलिट्री हस्पताल पेशावर में 40 रोज़ तक ज़ेर इलाज रहे। बाद में भी आपने अपनी मज़ामती कोशिशों को जारी रखा। बाद 11 अगस्त 2009 को वाना बाज़ार में मुतद्दिद बम धमाकों के नतीजे में 5 साथियों के हमरा आपको शहीद कर दिया गया। आपकी हिम्मत और शुजात के गैर मामूली इजहार के इतराफ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने मलिक खादीन शहीद को सितारा शुजात बादर शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके फर्जंद वसूल करेंगे। मलिक फजलुर रहमान शहीद मलिक फजलुर रहमान इंतहाई मुहिब वतन बहादुर और अज़्म हिम्मत का पैकर थे जो इलाके में अपने शफाफ किरदार मुसम्मम इरादे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अटल हमायत की वजह से पहचाने जाते थे। 2010 में आपकी इन मुसामती कोशिशों की वजह से शिदत पसंदों ने आपके भाई अब्दुलरहमान भतीजे फजल हक और ड्राइवर काला खान पर SWS कैंप के नज़दीक हमला किया। इस मकरूह फेल के नतीजे में आपके तमाम करीबी मददगारों ने मौके पर ही जाम शहादत नोश किया। मलिक फजलुर रहमान शिदत पसंदों के पोशीदा इज़ाइम के सामने मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हमायत की और उन्हें हसास मालूमात फराहम करते रहे और शवाल वादी में बैनुल अक्वामी हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी में साथ दिया। ताहम इस मिशन की वापसी पर शिद्दत पसंदों ने मीरान शाह बाज़ार में आपको निशाना बनाया जिसके नतीजे में आप शहीद हो गए। आपकी हिम्मत और शुजात के गैर मामूली इजहार के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने मलिक फजलुर रहमान शहीद को सितारे शुजात बादर शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके भाई वसूल करेंगे। मलिक गुल शाह अहमद खान मलिक गुल शाह अहमद खान इंतहाई बहादुर और बाहिम्मत इंसान थे जो अपने किरदार हिबुल वतनी और इलाके में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत की वजह से पहचाने जाते थे। आप 13 साल लड़के हमायत खान के चचा थे जिसकी वालदा ने एक वीडियो क्लिप में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को अपनी और अपने ख़ानदान के अफराद की बेअदबी का ज़िम्मेदार करार दिया। इसके जवाब में आपने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इस वाक़े को सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश करार दिया। 10 और 11 फरवरी 2019 की दरमियानी शब 3 शर पसंदों ने आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर आप पर गोलियों की बौछार कर दी। आप जख्मों की ताब ना ला सके और जाम शहादत नोश किया। आपकी बहादुरी और शुजात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने
मलिक गुलशाह अहमद ख़ान शहीद को सितारे शुजात बाद शहादत का एहसास अता किया है। आपका एहसास आपके फर्जंद वसूल करेंगे। मियाँ शाहजहाँ शहीद। मियाँ शाहजहाँ ज़िला बाजौड़ की तहसील सलारज़ई के गांव चनागई उस्मान खेल में पैदा हुए। आप ज़िला बाजौड़ के समाजी सरगर्मियों में भरपूर अंदाज से शामिल रहे। आपने 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी यलगार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आपने ख़ते में खसूसन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ख़ात्मे पर अमरीकी शमूलियत की मज़म्मत की, लेकिन जब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया, शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने शुरू किए, तो आपने वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन की मुखालफत की और तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आपके वाज़ह और असूली मौक़िफ़ की वजह से आप दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर आ गए और 9 फरवरी 2005 को घर के करीब एक रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए आपको निशाना बनाया गया और शहीद कर दिया गया। आपकी गैर मामूली हिम्मत और शुजात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मियाँ शाहजहाँ शहीद को सितारे शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके फर्जंद वसूल करेंगे। मलिक मोहम्मद अयाज खान शहीद। मलिक मोहम्मद अयाज खान का ताल्लुक तहसील सलारज़ई के गांव नाजाक की के तरकनी जैली हिस्से बड़ाखेल के एक मोजस ख़ानदान से। 2007 में बाजौड़ में तालिबानाइजेशन और दहशतगर्दी के आगाज़ से ही आपने हर महाज पर इंतहाई बहादुरी से मुज़ाहमत की। इसकी वजह से आप हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की हिट लिस्ट पर आ गए। कई खतरात के बावजूद आप अपने मिशन से वफा करते रहे। आपने धमकियों को खातिर में ना लाते हुए अमन के लिए अपनी जदोजहद जारी रखी। दरअसल सलारज़ई में पोलियो मुहिम के दौरान जब एजेंसी के सर्जन डॉक्टर अब्दुल गनी को बम धमाके में शहीद कर दिया गया, तो आपने फौरन 2 जून 2007 को कौमी लश्कर की तश्कील की और दहशतगर्दों को ललकारा। इस अमल में आपने दहशतगर्दों की कमीन गाहों को तबाह कर दिया। वापसी पर आपकी गाड़ी को IED के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आपने अपने बेटे के हमरा जाम शहादत नोश किया। आपकी बहादुरी और शुजात के गैर मामूली इजहार के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मलिक मोहम्मद अयाज खान शहीद को सितारे शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके फर्जंद वसूल करेंगे। डॉक्टर मजरुल हक काका खेल। डॉक्टर मजरुल हक काका खेल FIA में डायरेक्टर इंसदाद दहशतगर्दी विंग तैनात रहे। आपकी बराए रास्त ज़ेर निगरानी सरंजाम देने वाले केसेस में बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस, मुंबई दहशतगर्द हमले, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, असगर खान केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस शामिल हैं। आपने संगीन खतरात के बावजूद इन केसेस को मुकम्मल पेशावराना लगन से सर अंजाम दिया। आपने इजाफी वसाइल के बगैर CTW में एक नए यूनिट साइबर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन का क्याम अमल में लाया। इसी तरह आपने FATF रहनुमा असूलों से हम आहंग एक दूसरे यूनिट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को कायम किया, जो इंतहाई कामयाबी से दहशतगर्दों की माली मुआवनत के अमूर की निगरानी कर रहा है। मजीद बरा मई 2019 में आपने अपने यूनिट को CTD के साथ जोड़ दिया और इनके साथ कसीरल जहती GITs तश्कील देकर दहशतगर्दी की माली मुआवनत के अहम केसेस की तहकीक शुरू की। आपकी गैर मामूली हिम्मत और शुजात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने
डॉक्टर मज़हरुल हक काका खेल को सितारे शुजात का एजाज अता किया है। प्रोफेसर जावेद इकबाल। प्रोफेसर जावेद इकबाल वॉज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी स्कॉलर हु हैड बीन वर्किंग एज हेड ऑफ द इंग्लिश सेक्शन इन द किंग साउथ यूनिवर्सिटी रियाद सऊदी अरेबिया। ही वर्कड एज अ बायलिंगुअल एंकर इंटरव्यूअर एंड प्रोग्राम प्रोड्यूसर फॉर द सऊदी रेडियो एंड इंग्लिश टीवी चैनल टू। ही हेल्प द सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन in launching its first ever English TV channel, Two, in 1980. In 2011, when Pakistani embassy held job fairs for illegal jobless Pakistanis, he wrote regularly in Urdu news for raising awareness among his compatriots and other people. Around 900,000 Pakistanis managed to get legal status at that time. Unfortunately, he expired on 14 November 2019, after announcement of the award on 14th August 2019. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Professor Javed Iqbal the award of Sitara Imtiaz. His award will be received by his daughter. Dr. Asif Mahmood. Dr. Asif Mahmood is a practicing physician in California. He has done charity work and rendered medical assistance to the needy people extensively, both in the USA and in Pakistan. Most noteworthy was his effort to raise over $1 million in Los Angeles for the flood victims in Pakistan. He has participated in multiple free health services in Pakistan, and he has also traveled to Kashmir after the earthquake and worked tirelessly to help patients. As a Pakistani-American politician, he made history when he secured close to 1 million votes in his race for Insurance Commissioner of California. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Asif Mahmood the award of Sitara Imtiaz. Mr. Najibullah Ghori. Mr. Najibullah Ghori, an internationally recognized business leader, a philanthropist, entrepreneur in information technology, founded a software and information technology company in the USA. His big vision became a reality to have NetSol, the first Pakistan-American company listed to trade on NASDAQ exchange since 1998. He's the only Pakistani-American honored by NASDAQ for bell ringing ceremonies 5 times in New York. He invested millions of dollars in NetSol Pakistan from 1997 onwards. NetSol alone has generated over $500 million in sales and has highest IT exports for the last 10 years. His generous donations to the development and literacy program contributed to build over 130 schools in Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Najibullah Ghori the award of Sitara Imtiaz. Dr. Pavel Behm. Dr. Pavel Behm is a renowned Czech Republic physician and a politician. On 1st August 2012, he climbed K2,
without supplemental oxygen and also climbed Nanga Parbat in 2018. He has published the book K2, The Queen of Mountains, on 30th March 2015 in Prague, which portrays the culture, landscape, geography, and the friendly nature of the people of Pakistan. This book helped dispel any negative perceptions about Pakistan and inspired several Czech tourists to travel to Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Pavel Bam the award of Star-e-Imtiaz. Professor Dr. Ayub Sabir. Professor Dr. Ayub Sabir Buland Paya Iqbal Shinas hain. Aapki kitab Iqbal ki shakhsiyat aur fikr o fun par itrazat ek mutalia ek munfarid tehqeeq aur ilmi shahkar hai. Mukhalifin ka asal had Pakistan ki nazriyati bunyadon ko kamzor karke islami duniya ko Iqbal ki fikri rehnumai se mehroom karna tha. इस मुनासबत से आपने इकबाल मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खात्मे का फैसला किया. 1995 में सरकारी मुलाजमत से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल की और अपने आप को इस कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया. आपकी ज़िंदगी के नादिर और बेमिसल काम को इकबाल एकेडमी ने 3 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब की सूरत में शाया किया है. तालीम इकबालियात के मैदान में आपकी नुमाया खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर को स्तारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है. डॉक्टर कामरान अहमद वसवी. डॉक्टर कामरान अहमद वसवी ने अपने पेशावराना करियर के दौरान अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा और पोस्ट ग्रेजुएट तालीम MCPS हासिल की. बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन आपने अपनी मुद्दत ओहदा के दौरान इस तंजीम को बैनुल अक्वामी सतह पर मुतारिफ करवाया और वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन और साउथ एशियन डेंटल फेडरेशन की रुकनियत हासिल की. आपने पाकिस्तान में कई बैनुल अक्वामी डेंटल कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद में फाल किरदार अदा किया जिसने आलमी शोहरत के हामिल मुकर्रीन को मुल्क में आने और पाकिस्तान की डेंटल कम्युनिटी को जदीद इल्म और तकनीकों को हासिल करने का मौका फ्राहम किया और मुल्क में डेंटल के पेशे की मजमू तरक्की में मदद की. PDA ने आपको मुल्क भर के स्कूलों के बच्चों के लिए दांतों की सेहत से मुतलिक आगाही प्रोग्राम के क्याम के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया. आपको 2002 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट की जानिब से फेलोशिप का एजाज़ अता किया गया. तिब के शोबे में आपकी ग्रांक कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कामरान अहमद वसवी को स्तारे इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है. जनाब मोहम्मद जावेद अफरीदी. जनाब मोहम्मद जावेद अफरीदी एक मारूफ पाकिस्तानी ताजर और कारोबारी शख्सियत है जो हायर पाकिस्तान के CEO और पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट फ्रेंचाइज पिशावर जलमी के मालिक हैं. आपने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर ज़ोर देने के साथ साथ बैनुल अक्वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए बहुत काम किया है. आपने ऑटोमोबाइल, ग्लास और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत पर गहरे असरात मुरतब किए जिससे पाकिस्तान में रोज़गार के 30,000 से ज़ायद मौके पैदा हुए. आपने हायर की जानब से क्रिकेट सीरीज़ को स्पॉन्सर किया और टीम को तजारती पहलुओं से मावनत की. जलमी फाउंडेशन समाजी रवाबित नौजवानों की तरक्की और ख्वातीन की खुद मुख्तारी के फ़रोग के लिए इंतहाई लगन से काम कर रही है.
खिदमाती आमा के शोबे में आपकी खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद जावेद आफरीदी को सितारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। जनाब अहमदुल्ला, जनाब अहमदुल्ला न्यू चॉइस इंटरप्राइजेज की प्रॉपर्टी हैं जो शिप ब्रेकिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं। आप टैक्स अदा करने वाले नुमाया तरीन अफराद में से एक हैं। टैक्स के साल 2018 में आपने अपने कारोबारी ज़राए से हासिल शुदा आमदन डिक्लेयर की और इस बिना पर आप सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने और ज़वाबत की सबसे ज़्यादा पाबंदी करने वालों में से एक हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी नुमाया खिदमात यानी टैक्स अदा करने के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब अहमदुल्ला को सितारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब रेहान हसन, जनाब रेहान हसन टैक्स अदा करने वाले नुमाया तरीन अफराद में से एक हैं। आपने मुख्तलिफ ज़राए यानी रॉयल्टी, तकनीकी खिदमात और कर्ज़े पर मुनाफा की मद से हासिल शुदा आमदन डिक्लेयर की। आप टैक्स की सही वसूली में मुआवनत फ्राहम करने वाले एक नुमाया टैक्स अदा करने वाली शख्सियत हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी नुमाया खिदमात यानी टैक्स अदा करने के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब रेहान हसन को सितारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। मोहतरमा नसीम अख्तर, मोहतरमा नसीम अख्तर बचपन ही से कशीदाकारी के फ़न में दिलचस्पी रखती थी। आपकी इस जज्बे और लगन ने आपको इस फ़न में ताक कर दिया। अगस्त 1987 में आपने सुई, धागे और दीगर मवाद के साथ कुरान पाक की कशीदाकारी के काम का आगाज़ किया और जनवरी 2018 में 32 साल की मुद्दत में इसे मुकम्मल किया। ये काम 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर जिल्द में 3 पारे हैं और इसका वज़न तकरीबन 60 किलोग्राम है। अल्फाज की दुरुस्तगी पर गैर मामूली तौर पर तवज्जो दी गई और इस गलतियों से पाक बनाने के लिए एक तस्लीम शुदा हाफ़िज़ कुरान जनाब अहमद एहसानुल्लाह ने प्रूफ रीडिंग सर अंजाम दी। फ़न कशीदाकारी करदा मुकम्मल कुरान पाक के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा नसीम अख्तर को सदारती एजाज बराए उसने कारकर्दगी अता किया। उस्ताद अबू मोहम्मद कवाल, उस्ताद अबू मोहम्मद कवाल का ताल्लुक कवाली के मशहूर घराने बच्चों का घराना से है, जिसका आगाज़ मियाँ सामत बिन इब्राहिम से हुआ जो हज़रत अमीर खुसरो के अवलीन शागिर्द थे। आपने कवाली के शायकीन के लिए फ़न का मुजाहरा करने की गर्ज़ से 30 से ज़ायद मुल्कों का सफ़र किया। आपने पाकिस्तान में मौसीकी और फ़न से मुंसलिक कम्यूनिटी कि एक मुस्बत तस्वीर के साथ साथ इन लोगों की तादाद में भी इजाफा करने में मदद दी जो सूफियाना कलाम के मुतारिफ और इससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान आपको मुतअद्दिद बार रेडियो पाकिस्तान, PTV, PNCA, लोक विरसा, ऐवान सदर और वजारत खारजा में अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका मिला। आपने बैनुल अक़वामी सिनेमा TV चैनलों पर रमज़ान की नशरियात, कोक स्टूडियो और YouTube के ड्रीम जर्नी चैनल्स के लाखों ऑनलाइन नाज़रीन के लिए भी खिदमात सरंजाम दी। फ़न कवाली
के शोबे में आपको नुमाया खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने उस्ताद अबू मोहम्मद कवाल को सदारती एजाज बराए हुसन कारकर्दगी अता किया है। जनाब हसन सदपारा मरहूम। जनाब हसन सदपारा ने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ 1992 में एक कोपेमा गाइड की हैसियत से किया। आप वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की 6 बुलंदतरीन चोटियों माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत, शरबरम, गाशबरम 2 और ब्रॉड पीक को सर किया। आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान मुकामी और गैर मुल्की कोपेमाओं की मुआवनत की और जब बर्फशार से आर्मी की गुजरगाहें बंद हुईं तो पाकिस्तान आर्मी को अपनी खिदमात पेश की। 2007 में आपने पाकिस्तान में वाक़ 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर की, जिसकी बिना पर हुकूमत ने 2009 में आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। बाद अज़ां आपने 2011 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सिर्फ 4 दिन में सर किया, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद जनाब हसन सदपारा का इरादा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से बाकी 8 को भी सर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का था। ताम गिरती हुई सेहत के बायस वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके और 21 नवंबर 2016 को वफात पा गए। खेल कोपेमाई के मैदान में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब हसन सदपारा मरहूम को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी बाद इस वफात अता किया है। आपका एजाज आपके फर्जंद वसूल करेंगे। जनाब मोहम्मद अयूब। जनाब मोहम्मद अयूब ने अपने वालिद की वफात के वक्त मैट्रिक पास किया। वालिद की वफात के बाद दिन के औकात में आपने अपने आपको ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने और शाम के औकात में अपनी तालीम को जारी रखने में मसरूफ़ रखा। 1976 में आप एक रज़ाकार के तौर पर सिविल डिफेंस से मुंसलिक हुए। बाद अज़ां आपका फायर ब्रिगेड में बतौर फायरमैन तकर्रुर किया गया। आपने बहुत से बच्चों को इस्लामाबाद में दुकानों पर काम करते देखा और इन ज़रूरतमंद बच्चों की मदद का फ़ैसला किया। 1982 में आपने 300 ज़रूरतमंद बच्चों को बिला मुआवजा तालीम देना शुरू की। आपने स्कूल और कॉलेज के मुस्तक तलबा के अखराजात भी बर्दाश्त किए। तालिब इल्मों ने आपको मास्टर अयूब का खिताब दे रखा है। सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी बकिया ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मुस्तक तलबा की तालीम की फ्राहमी के लिए वक्फ कर दिया। मजीद बरा आपने हादसात और जल्जलों से मुतासर अफराद की इमदाद में भी सरगर्मी से हिस्सा लिया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अयूब को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब शाहगुल हयात। जनाब शाहगुल हयात गिलगित के डीसी के ड्राइवर के तौर पर खिदमात सरंजाम दे रहे थे। 8 जनवरी 2005 को उस वक्त फिरका वराना फसादात फूट पड़े जब एक मारूफ शिया मजहबी रहनुमा को चंद नामालूम अफराद ने गोली मार दी। जो ही इस अफसोसनाक वाक़े की खबर मंजरे आम पर आई, पूरे इलाके में बिला तफरीक मारधाड़ का एक नया सिलसिला शुरू हो गया और मुख्तलिफ दफातर को आग लगा दी गई। ये वो वक्त था जब दहशतगर्दों ने डिप्टी कमिश्नर गिलगित की गाड़ी पर हमला किया और फायर खोल दिए। नतीजतन ड्राइवर शाहगुल हयात शदीद ज़ख्मी हो गए और एक गोली उनकी दाहिनी टांग पर लग गई। ताहम शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद आपने गोलियों की बौछार में गाड़ी को चीफ सेक्रेटरी हाउस तक पहुँचा दिया, जो 3 किलोमीटर दूर वाकई थी।
और इस तरह तीन कीमती जानों को बचा लिया। आपकी शुजात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शागुल हयात को तमगा शुजात का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद ज़िक्रिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस गिलगित के हेड कांस्टेबल मोहम्मद ज़िक्रिया ने 11 अगस्त 2018 को कारगाह चेक पोस्ट पर होने वाले दहशतगर्द हमले के दौरान नहायत सरगर्म किरदार अदा किया, जिसकी सरबराही एक मशहूर दहशतगर्द खलीलुर्रहमान कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ने 1.5 मिलियन रुपया दहशतगर्द के सर की कीमत में मुकर्रर कर रखी थी। मोहम्मद ज़िक्रिया ने दिलेरी, पेशा वराना महारत और बेमिसाल जुरत से दहशतगर्दों का ताकुब करते हुए गिलगित की वादी को दहशतगर्द हमले से बचा लिया और मशहूर दहशतगर्द कमांडर खलीलुर्रहमान समेत 2 दहशतगर्दों को मार डाला। आपकी शुजात के इतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद ज़िक्रिया को तमगा शुजात का एज़ाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद आसिफ भट्टी, जनाब मोहम्मद आसिफ भट्टी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में बतौर डिप्टी डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जुलाई 2018 में आपने गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ कामयाबी से काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। जनवरी 2019 में मस्कूरा अफसर एक इंतहाई खास ऑपरेशन में शामिल हुए और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई हसास नौइयत की मालूमात तक रसाई हासिल की और बर वक्त आगही के नतीजे में दुश्मन के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाया। एक और ऑपरेशन में आपने एक इत्तला का सराग लगाते हुए टेलीकॉम शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट को पकड़ लिया। मुलजिम से सवालात के ज़रिए गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से वाबस्ता दीगर मुशतबा अफराद की दरियाफ्त में भी मदद मिली। आपकी शुजात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद आसिफ भट्टी को तमगा शुजात का एजाज़ अता किया है। जनाब जाहिदुल्ला, जनाब जाहिदुल्ला इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपने मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के नेटवर्क में दरअंदाजी की, जिन्होंने पेशावर और खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों की सरगर्मियों और इलेक्शन उम्मीदवारों को टारगेट किलिंग के एक सिलसिले के ज़रिए 2018 के जनरल इलेक्शन को नाकाम बनाने की मनसूबाबंदी की हुई थी। मस्कूरा अफसर ने इस कोशिश को कामयाबी से नाकाम बनाया और बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स और हैंड ग्रेनेड कब्जे में लिए। आपकी इन अनथक कोशों के नतीजे में कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के खिलाफ 2017 से अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग और बम धमाकों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस एक दहशतगर्द ग्रुप को 2018 और 2019 में कामयाबी से ख़त्म किया गया। आपकी शुजात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जाहिदुल्ला को तमगा शुजात का एज़ाज़ अता किया। जनाब मोहम्मद नवीद अख्तर, जनाब मोहम्मद नवीद अख्तर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के दहशतगर्दी की सरगर्मियों के ज़रिए बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैलाने के मज़मूम मकासद थे।
मस्कूरा अफसर ने खालिस्तन अपनी लगन और मेहनत से अपने इदारे को दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से दरपेश खतरे से पेशगी आगाही हासिल करने के काबिल बनाया। एक मुकामी दहशतगर्द नेटवर्क का पता लगाया गया जो टारगेट किलिंग, खुद साख्ता धमाका खेज आलात और खुदकुश धमाकों में मुलविस था। इस ऑपरेशन के नतीजे में धमाका खेज मवाद, खुद साख्ता धमाका खेज आलात बनाने वाले साजो सामान और हैंड ग्रेनेड्स की एक बड़ी मकदार बरामद की गई। आपकी इन काबशों की बदौलत अमन आमा की मजबूती सूरत हाल में नुमाया बेहतरी मुमकिन हुई। आपकी शुजात के अतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद नवीद अख्तर को तमगा शुजात का एजाज अदा किया। जनाब अमजद हुसैन, जनाब अमजद हुसैन बतौर हेड कांस्टेबल इंसदाद मंशियात फोर्स में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 9 दिसंबर 2018 को आपने मुखबिर की इतला पर इंटेलिजेंस टीम के हमरा 6th रोड रावलपिंडी के इलाके में मंशियात फरोश उमर फारूक के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उमर फारूक को शक महसूस हुआ और उसने अपनी गाड़ी में इस मुकाम से भागने की कोशिश की। आपने गाड़ी की दाएं जानिब का अगला दरवाज़ा खोलकर उसे रोकने की कोशिश की। उमर फारूक ने इसके जवाब में अपने पिस्टल से फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में आपको सर के बाएं जानिब और दाएं घुटने पर 2 गोलियां लगीं। बाद में फौरी तिबी इमदाद से इनकी जान बचाई गई। आपकी शुजात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अमजद हुसैन को तमगा शुजात का एजाज़ अता किया। राणा तारिक महमूद चौहान, राणा तारिक महमूद चौहान डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बेशुमार मौक़ों पर अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस की क़यादत की। अलहदगी पसंद अनासर के ख़िलाफ़ आपके ऑपरेशंस ने बलावरस्तान नेशनल फ्रंट अब्दुल हमीद ग्रुप का लदम को गैर मौसर किया और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मजमून साजिश को मौसर तौर से ख़त्म कर दिया। इन खिदमात ने खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी लाई। 2018 में एक और ऑपरेशन में आपने अपनी टीम की सरबराही करते हुए 4 IEDs को तलफ करवाया, जिनमें से हर एक का वजन 10 kg था और इनका हद दरगाह कारबोहा शरीफ ज़िला हंगू में एक इज्तमा था। अलावा जी आपने बेशुमार कामयाब ऑपरेशन की सरबराही की और तकरीबन 11 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को गिरफ्तार और उन्हें गैर मौसर किया। आपकी शुजात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने राणा तारिक महमूद चौहान को तमगा शुजात का एहसास अता किया। जनाब सलाह अहमद मगजी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द लियारी गैंग वॉर के सरगना और बलोच लैदगी पसंदों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की कई खसूसी ऑपरेशन सर अंजाम दिए। जनवरी 2017 में आपने लियारी गैंग वॉर के सरगनों के खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे। उनका एक बड़ा कमांडर पड़ोसी मुल्क की शहरियत रखता था और मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करता रहा। बेसियर टीम लीडर आपने इस मुजरिम को जिंदा गिरफ्तार करने और उसके नेटवर्क को कब्ज़े में लेने के लिए बज़ाते खुद पेशकदमी की। इसके गिर्द घेरा तंग होने पर मुजरिम और उसके साथियों ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी और वह इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अपने साथियों के हमरा फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। आपकी शुजात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सलाह अहमद मगजी को तमगा शुजात का एजाज़ अता किया।
जनाब अहमद रज़ा। जनाब अहमद रज़ा डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बतौर ऑपरेशनल कमांडर अपने फ़राइज़ की बजावरी में बेमिसाल लगन और हिम्मत का मुजाहरा किया। आप और आपकी टीम ने डी आई खान शाह शम्स दरबार मुल्तान और इमाम बारगाह किसर ज़ैनब लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन के चेलम के मौके पर खुदकुश हमलावरों को धमाका खेज मवाद के हमरा गिरफ्तार किया। आप और आपकी टीम ने जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 40 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गैर मुसल्ला और गैर मौसर किया और बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया। जनाब अहमद रज़ा और उनकी टीम ने 137 मतलूबा दहशतगर्दों और 6 खुदकुश हमलावरों और उसके साथ साथ अरफा करीम टावर लाहौर और बेदियाँ खुदकुश बम धमाके में मुलव्वस 12 दहशतगर्दों को पकड़ने में अहम किरदार अदा किया। आपकी शुजात के इतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अहमद रज़ा को तमगे शुजात का एज़ाज़ अता किया। जनाब साकिब हुसैन, जनाब साकिब हसन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमेशा हंगामी सूरत हाल में इंतहाई अज़्मो हिम्मत और दिलेरी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आप कई सालों से लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में बरसरे पैकार रहे, जिसके नतीजे में लियारी गैंग वॉर के 60 हाई प्रोफाइल शदत पसंदों को गिरफ्तार और 28 को हलाक किया गया। 2018 में जब कराची में अमन व अमां की सूरत हाल में बेहतरी आ रही थी तो इस सुकून को बर्बाद करने के लिए लियारी गैंग वॉर वसीउल्लाह लाखो ग्रुप की जानिब से एक मारूफ सियासतदान और साबिका MNA जनाब अली रज़ा आब्दी को कत्ल कर दिया गया। जनाब साकिब हसन ने इन दहशतगर्दों का सुराख लगाया और इनके ठिकानों पर छापे मारे। दहशतगर्दों ने लियारी और खारादार की तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए छापामार टीम पर बिला तफरीक फायरिंग खोल दी। अपने दिलेराना कोशिशों से जनाब साकिब हसन ने अपने साथियों को ना सिर्फ नुकसान से बचाया बल्कि कई घंटों पर मुहित मुकाबले में कातलों को गैर मौसर करने में कामयाब हुए। आपकी बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब साकिब हसन को तमगा शुजात का एज़ाज़ अता किया। जनाब मोहम्मद ताहिर, जनाब मोहम्मद ताहिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पुरज़म बाहिम्मत और काबिल अफसर हैं। आपने मुश्किल माहौल में इंतहाई ख़तरनाक मुल्की और गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुतअद्दिद ऑपरेशंस की निगरानी की। 1 दिसंबर 2017 को बतौर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर पेशावर और एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पेशावर पर दहशतगर्दों के मजमूम हमले के खिलाफ आपकी बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत कामयाब ऑपरेशन किया जा सका। आपकी गाड़ी पर दहशतगर्दों की जानिब से 3 गोलियां लगीं लेकिन आपने हॉस्टल में फंसे तलबा को निकालने के लिए बरवक्त रेस्क्यू कोशिशें तरतीब दीं और ऑपरेशन की मजबूती कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑपरेशन के अख्ताम तक 3 दहशतगर्द हलाक हुए। आपकी शुजात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद ताहिर को तमगा शुजात का एज़ाज़ अता किया। मोहतरमा कैसर बेग, मोहतरमा कैसर बेग मोज़ेक आर्ट में गैर मामूली टैलेंट की हामिल हैं। आपके 40 नमूने पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुस्तकिल आवेज़ा हैं। आपने 30 से ज़ायद यादगारी डिज़ाइन तख्लीक किए और कुरान पाक की आयात की खताती में भी महारत का मुजाहरा किया। आपने 3 दहाइयों से ज़ायद मुहित अपने करियर में
बिल्कुल मुनफरद पेचीदा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन तख्लीक किए। 1982 में आपने अपने पहले दीवारी नक्श बनवान तालीम का इर्तका पर सदर पाकिस्तान से नकद इनाम हासिल किया। NARC इस्लामाबाद में आपने अपनी दूसरी दीवारी नक्श में कुरान पाक की सूरह इनाम की आयात की अक्कासी की। आपने एकेडमी ऑफ एजुकेशन दोहा कतर में 10 दीवारी नक्श मुकम्मल किए। मोज़ेक आर्ट में आपका हालिया शाहकार सूरत अल इमरान की आयत नंबर 190 की अक्कासी करता है, जिससे एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर AWC कॉम्प्लेक्स वा में सर अंजाम दिया गया। मोज़ेक आर्ट के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान ने मोहतरमा कैसर बेग को तमगा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। सैयद ज़बीब मसूद शाह एक मरूफ नात ख्वां हैं। आपने दुनिया के मरूफ उस्तादों से नात ख्वानी का फ़न सीखने के लिए 5 साल की उम्र से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ किया। आप तकरीबन 3 दहाइयों से रेडियो और TV की महाफिल मेलाद में नात ख्वानी में हिस्सा लेते रहे। आपकी नात ख्वानी की असल रूह तवील घंटों तक स्टेज पर कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कई मौक़ों बशमूल नेशनल सीरत कॉन्फ्रेंसेस, यूथ कन्वेंशंस और 14 अगस्त की सालाना परचम लहराने की तकरीब पर सरकारी तौर पर मदऊ किया गया। आपने PTV और रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुनक़द करदा सालाना नात के मुकाबलों में तमाम पाकिस्तान में मुसलसल 3 साल पहला इनाम हासिल करने का मुनफरद रिकॉर्ड भी हासिल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2008 में आपको नेशनल यूथ अवार्ड और बेहतरीन नात ख्वां अवार्ड अता किया। फ़न नात ख्वानी के शोबे में आपकी खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सैयद ज़बीब मसूद शाह को तमगा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। मलिक फ़िदाउर रहमान ने अपनी ज़िंदगी अदब सहाफ़त और पाकिस्तान खसूसन बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए वक्फ़ कर दी। आपने अपने कॉलमों के ज़रिए हकाम की तवज्जो बलोचिस्तान के अवाम के लिए तालीम और तिबी सहूलियात की बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी की जानब माजूल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आपने कश्मीर और बलोचिस्तान में बैरूनी कुव्वत के किरदार को वज़ा करने के लिए 300 से ज़ायद कॉलम लिखे, जिन्होंने खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आप कई कौमी रोज़नामों जैसे कि नवाए वक्त, जंग, पुकार, औसाफ, एक्सप्रेस, नई बात वगैरह से वाबस्ता रहे। आप महाना आईना और हफ्तावार पोठोहार के एडिटर रहे और रोज़ TV पर एक प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। आपने बलोचिस्तान में 2 साल क़याम के दौरान 700 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बलोचिस्तान अक्स और हकीकत लिखी, जिसने बैरूनी कुव्वतों के मनफी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया। सहाफत के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मलिक फ़िदाउर रहमान को तमगा इम्तियाज़ अता किया। जनाब मोहम्मद उस्मान मरहूम, जनाब मोहम्मद उस्मान ने ब्लड बैंक सेंटर मेलसी में काम किया। आप थैलेसीमिया के मरीज थे, लेकिन आपने इसे नफ्स पर कभी समझौता नहीं किया। आप अपने ख़ानदान के वाहिद खुद कफील थे, लिहाजा आपने बाप का
आपने पॉपकॉर्न बेचने की रेडी भी लगाई। आपके दो भाई और एक बहन भी थैलेसीमिया के मर्ज की वजह से वफात पा गए। इन हालात के बावजूद आपने कभी हिम्मत ना हारी और मीडिया के ज़रिए थैलेसीमिया से मुतल्लिक आगाही आम करने के लिए सख्त मेहनत की। आप अपनी कुव्वत इरादी से थैलेसीमिया के साथ साथ कई दीगर बीमारियों से भी लड़ते रहे और 30 मई 2019 को इन बीमारियों से लड़ते हुए इस जहां से रुखसत हो गए। थैलेसीमिया की आगाही मुहिम करने के लिए आपकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद उस्मान मरहूम को तमगे इम्तियाज़ बादस वफात के एजाज़ अता किया। आपका एजाज़ आपकी वालदा वसूल करेंगे। मोहतरमा फरिया रजाक मरहूमा, मोहतरमा फरिया रजाक नुमाया मीडिया शख्सियत, समाजी और इंसानी हकूक की इलमदार थी। आपने इंसानी मुआशरती और मौजूदा सियासी अमूर पर कई सौ मजामीन तहरीर किए जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क शाया हुए। आपको मई 2003 में मुआशरे को दरपेश तशवीशनाक मामलात से मुतलिक आगाही पैदा करने और उनके हल के लिए बेहतरीन तख्लीकी तहरीरों पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन की जानिब से एनुअल मुस्लिम अवार्ड से नवाजा गया। दिसंबर 2003 में अपने शानदार काम पर आपको वज़ीर आज़म की जानिब से मादर मिलत अवार्ड, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से सर्विस टू द नेशन अवार्ड 2003, हुकूमत सिंध और एक नुमाया एनजीओ की जानिब से मुश्तरका तौर पर आपके इंसानी और समाजी मौजूदात पर काबिले ज़िक्र काम पर स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी लायक तहसीन खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा फरिया रजाक मरहूमा को तमगा इम्तियाज़ बादस वफात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके फर्जंद वसूल करेंगे। मोहतरमा सबीन शाह, मोहतरमा सबीन शाह 1996 से तालीम के साथ बहुत सरगर्मी से मुंसलिक रही हैं और फिलवक्त सहराए थरपारकर में सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी में काम कर रही हैं। आपके काम ने सोलर पावर के साथ नए स्कूल, पीने का पानी और आम इस्तेमाल के लिए पानी की मुसलसल फ्राहमी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों जैसी सहूलियात के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करते हुए तालीमी मंजर का नक्शा बदल कर रख दिया है। मजीद बरां आपने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के 53 बालिग ख्वातीन और मर्दों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए तालीम दी है। मुश्किल और मेहनत के मुतकाजी हालात में तनदही और जानफशानी से काम करने की बदौलत आपको मुल्की और गैर मुल्की सतह पर शोहरत मिली है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा सबीन शाह को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। इंस्पेक्टर खालिद महमूद, इंस्पेक्टर खालिद महमूद तारीख में वो पहले फ़र्द हैं जो माजूर अफराद के कोटा के तहत पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में भर्ती किए गए। आपने 4 मास्टर डिग्रियां हासिल की और 2017 में एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक की तकमील की है। मजीद बरां आपने 2018 में इस्तंबुल तुर्की में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ब्राय
इल्म ज़ुबान तालीम और तर्जमे में मुल्की नुमाइंदगी करते हुए तहकीकी मुकाला पेश किया और तमाम दुनिया से आए हुए स्कॉलर्स में बेहतरीन रिसर्च पेपर प्रेजेंटर करार पाए और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस हासिल किया। आपके तीन खुलासे भी मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंसों की कार्रवाइयों में शामिल हो चुके हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार कारकर्दगी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इंस्पेक्टर खालिद महमूद को तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक रफ़ी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक रफ़ी ने 1981 में अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ किया जो ENT के शोबे में 38 साल पर मुहित है। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर की हैसियत से आप हस्पताल के मेयार तालीम और नौजवान डॉक्टरों की तरबियत में बेहतरी लाए। आपने सिंध के जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में बहरे और गुंगे बच्चों की समात बहाल करने और उन्हें माशरे का कारामद रुकन बनाने के लिए होने वाली पहली कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी में मावनत की। आपने पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप तदरीस और तरबियत में बैनुल अक्वामी मेयार के मुताबिक इख्तराअत किए हैं। तरबियत के तरीक़ेकार में इख्तराअत की वजह से आज हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की मशरे वस्ता में नौकरी की पेशकशों में वही दर्जा हासिल हो गया है जो तरक्की याफ्ता ममालिक से फारगुल तहसील डॉक्टरों को मिलता है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी बेशकदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक रफ़ी को तमगा इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद अख्तर। जनाब मोहम्मद अख्तर आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप बरतानिया में मुकीम एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंसान दोस्त समाजी खिदमात सर अंजाम देते हैं। 2005 के शदीद जलजिले के बाद आप मुजफ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर तशरीफ़ लाए और कुछ यतीम बच्चों को खुराक और पनाह फराम करने के लिए मीरपुर ले गए। आपने जल्दी यतीम बच्चों की जिम्मेदारी का हुजम को भांप लिया। नतीजतन आपने कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट का ख्याल पेश किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों और पाकिस्तान भर से 1500 यतीम बच्चों को अपनी तर्ज की सहूलियात फराहम करने में मसरूफ अमल रहे। अलावा जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ में हिंदुस्तानी जारहीत का शिकार सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में भी भरपूर हिस्सा लेते रहे। मजीद बरां वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जड़ी कस जो कि मीरपुर का एक कस्बा है को अख्तराबाद का नाम दिया है, जहां आपकी कोशिशों से यतीम बच्चों का एक बड़ा घर तामीर किया गया है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के अतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अख्तर को तमगा इम्तियाज का एहसास अता किया। और इस तकरीब का आखिरी अवार्ड डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन मेंगल। डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन मेंगल फिलवक्त प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। आपने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ बतौर वकील किया। 1991 में आपने क्वेटा में लड़कियों के स्कूल के लिए एक एकड़ ज़मीन हदिया की। मस्कूरा स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की सतह पर 600 तलबात पर मुश्तमिल है। 1994 से आप ब्रावी एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं और अब तक 350 से ज़ायद कुतुब शाया कर चुके हैं।
अपनी मतबूआत के लिए आप 3 अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आप सूबह बलूचिस्तान में कानून में PhD की सनद हासिल करने वाले वाहिद फ़र्द हैं। खिदमाती आमा के शोबे में आपकी बेशकदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन मेंगल को तमगा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो इस तकरीब का इख्तिताम किया जाए। ख़वातीनो हज़रात, इस जनाज़े ऐवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब जारी थी। नाज़रीन, अब वज़ीर इत्तला